एनवीडिया यहाँ पे जो है वो आई थी, जिन्होंने 10 to 15 LPA के आसपास का जो पैकेज है वो ऑफर किया था। एंड इसमें भी अच्छे खासे बच्चों का जो प्लेसमेंट है वो हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसा अगर पैकेज मिलता है तो फिर बेटर हो सकता है। राजा सॉफ्टवेयर 7.5 LPA। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस कॉलेज की सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जैसे इस कॉलेज में कितना प्लेसमेंट होता है, कितना हाईएस्ट पैकेज जाता है, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज क्या रहता है, साथ ही में फीस कितना है, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है, कट ऑफ कितना जाता है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, इस कॉलेज का जो नाम है उसमें अभी आपको थोड़ा जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। पहले गाइज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद हुआ करता था, बट अब कॉलेज के वेबसाइट पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर ऐसा जो है वो लिख के आता है। अभी जैसे नाम चेंज हुआ है औरंगाबाद से तो छत्रपति संभाजी नगर, इसलिए हमें अभी ये सारे जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं, एंड फिर प्लेसमेंट कट ऑफ्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो ये कॉलेज जो है गाइज वो इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, काफ़ी पुराना ये कॉलेज है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ गाइज तो स्टेशन रोड उस्मानापुरा छत्रपति संभाजी नगर में ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। मतलब औरंगाबाद जैसे पहले हम बोलते थे, अभी हम छत्रपति संभाजी नगर बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट टाइप है गाइज इसका, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट भी कॉलेज है, साथ ही में ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो भी मिला हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड काफ़ी सारे फायदे भी मिलते हैं अकेडमिक्स में ऑटोनॉमस के, बस जो TFWS से अप्लाई करते हैं उनको थोड़ा लॉस होता है, वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज एफिलेटेड है गाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है इस कॉलेज का 2008। जब भी कॉलेज को सर्च करोगे तो इंस्टीट्यूट कोड जो है वो ज़रूर एक बार चेक कर लेना, ताकि आपको पता चले कि ये वाला कॉलेज जो है वो यही है। फिर अगर कैंपस की बात करें तो अच्छा खासा बड़ा कैंपस आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 22 एकर्स में गाइज इनका जो कैंपस है वो फैला हुआ है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ गाइज तो बाय एयर आपको नियर बाय एयरपोर्ट 10 किलोमीटर के आसपास जो है वो मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन भी गाइज पास में ही है, जहाँ से आप जाके ट्रैवल कर सकते हो। बस स्टैंड आपको 2.5 किलोमीटर के आसपास जो है वो मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। एंड एज सच ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं आएगा, बट बसेस में गाइज आपको इजीली आप जो है वो ट्रैवल कर पाओगे। अगर आपको पुणे जाना है, मुंबई भी जाना है, तो बसेस वगैरह जो है वो चलती है, तो इजीली आप जो है वो ट्रैवल कर पाओगे। स्ट्रीम्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाइज आपको इंजीनियरिंग में मल्टीपल ब्रांचेस के जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है जिसका 60 का इंटेक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है 60 का इंटेक, IT का 60 का इंटेक है, देन इलेक्ट्रिकल है, देन यहाँ पे ENTC एंड मैकेनिकल, ऐसे गाइज आपको यहाँ पे 6 इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस है वो देखने को मिल जाएगी। सारी ब्रांचेस इस कॉलेज में जो है वो अच्छी है, प्लेसमेंट कहाँ पे अच्छा होता है वो भी हम आगे देखेंगे। 360 का गाइज इसका इंटेक है, जो कि अच्छी बात है, एंड कम इंटेक होने के कारण गाइज प्लेसमेंट में भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने के जो चांसेस है वो हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10% यहाँ पे सीट्स रहेगी, जैसे सिविल के लिए 6 सीट रहेगी, फिर कंप्यूटर के लिए 6 सीट रहेगी, तो 10% जितना भी इंटेक होता है उसके जितना इंटेक होता है उसका 10% सीट डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए रहता है। ठीक है, अगर PG की बात करेगा इस तो यहाँ पे आपको MCA देखने को मिलेगा, जिसका 60 का इंटेक है। अगर आपको MTech करना है तो MTech में भी आपको मल्टीपल ब्रांचेस का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन कॉलेज में जाके जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर बात करें सीट मैट्रिक्स की तो कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप गाइज JEE के कट ऑफ के थ्रू जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हो, साथ ही में इन कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा है वो भी नहीं रहता है। सारी जो सीट्स है वो कैपराउंड के थ्रू ही जो है वो फिल की जाती है। कुल मिला के हर ब्रांच में 60 सीट्स है, जिसमें सारी जो सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व्ड है, एंड इसमें भी सारी जो सीट्स है वो कैपराउंड से ही जो है वो फिल की जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। साथ ही में गाइज आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। साथ ही में हमने और भी बहुत सारे कॉलेजेस के जो रिव्यूज़ है वो अपलोड किया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर आपको सभी के जो लिंक्स है वो भी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज मोड ऑफ़ एडमिशन के ऊपर। तो मोड ऑफ़ एडमिशन में गाइज आप MSc CET के एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर से एडमिशन लेना है तो अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में भी गाइज आप इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन प्रोसेस गाइज CET काउंसिलिंग के थ्रू जो है वो होती है, तो जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आप मेरे वीडियोज़ फॉलो कर सकते हो, आपको टाइम टू टाइम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ गाइज तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो ओवरऑल जो फीस है वो तो कम रहेगा, बट TFWS का फीस यहाँ पे जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखो गाइज, यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो है 15,000। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ट्यूशन फ़ीस है वो 15,000 ही होते हैं। बट जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, इनमें पता नहीं कौन सी चूल होती है कि जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चार्ज करते हैं। अब इस कॉलेज में जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो है 39,850 रुपीज़। साथ ही में यहाँ पे अदर फीस में 26,000 रुपीज़ जो है वो चार्ज कर रहे हैं, पता नहीं किस बात के। फिर यहाँ पे मल्टीपल ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस है, जिससे टोटल ओपन का जो फ़ीस है वो जाता है 81,851, ठीक है, जो कि काफ़ी हाई फीस बोल सकते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, देखो गवर्नमेंट है 81,000 फीस बहुत भी ज़्यादा नहीं अगर प्राइवेट कॉलेज से हम कंपेयर करते हैं तो। बट जब आप कंपेयर करोगे जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस है तो वहाँ पे फीस जो है वो और भी कम हो जाता है। बट ऑटोनॉमस के स्टेटस मिलने के बाद डेवलपमेंट फ़ीस, अदर फीस जो है वो बढ़ जाती है, जिससे फीस जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाती है। वही अगर मैं ओबीसी की बात करूँ गाइस, तो ओबीसी का 41,000 फ़ीस है, एससी एसटी का 1,500 रुपये फ़ीस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। TFWS का यहाँ पे 66,000 फ़ीस है। जनरली हमें देखने को मिलता है कि ओबीसी SBC इससे भी कम फीस जो है वो TFWS का रहता है। बट जिन कॉलेजेस में डेवलपमेंट फ़ीस एंड अदर फीस ज़्यादा रहती है, उन कॉलेजेस में TFWS स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो फ़ायदा है वो नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। बाकी EBC एंड EWS का फ़ीस 74,350 के आसपास है, अगर आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो इस कॉलेज से, एंड अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास का जो खर्चा है वो आपको आ सकता है। 3.5 भी नहीं, 3,25,000 के आसपास जो खर्चा है वो आ सकता है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो और भी कम पैसों में आपका हो जाएगा। ओवरऑल फ़ीस तो कम है, बट डेवलपमेंट फ़ीस एंड अदर फीस की वजह से ओवरऑल जो फ़ीस है वो बढ़ चुकी है। अगर ये नहीं होता तो ओवरऑल जो फ़ीस है वो और भी काफ़ी कम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस हम इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हमें वेबसाइट पे 21-22 के जो प्लेसमेंट्स के अपडेट्स है वो मिले थे, इसके अलावा और अपडेटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ब्रांचेस वाइज जो प्लेसमेंट्स है वो बताए गए हैं। जैसे ये सिविल ब्रांच है तो सिविल में UG एंड PGS है, सबका जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने हाईएस्ट पैकेजेस जो है वो यहाँ पे जाते हैं। तो जनरली गाइज इस कॉलेज में आपको एवरेज पैकेज या फिर एवरेज के आसपास वाली जो कंपनीज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ है, जिन्होंने 6 LPA का जो पैकेज है वो दिया था, जिसमें ENTC के UG स्टूडेंट का जो है वो हुआ था। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि CSE लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ जो है YT कंपनी, यहाँ पे ENTC के एक बच्चे का जो प्लेसमेंट है वो हुआ था 6 लाख पे। ठीक है, फिर एसेंचर है जिसमें MCA के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था 3.33 LPA, जो कि काफ़ी कम है। फिर यहाँ पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ फिर से है। फिर यहाँ पे अदानी ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रिकल में 10 बच्चों को जो है वो उठाया था। फिर यहाँ पे क्रॉम्पटन है। फिर यहाँ पे हिंदुजा, ऐसे बायजूस अकेडमिक स्पेशलिस्ट, फिर यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे आपको जो कंपनीज़ के नाम है वो देखने को मिलेंगे। बट सबका पैकेज अगर आप देखोगे तो काफ़ी एवरेज, बिलो एवरेज हमें जो पैकेज है वो देखने को मिलता है। बस यहाँ पे एक कैपजेमिनी देखने को मिल रहा है, जिनका 7.5 LPA का जो पैकेज है इन्होंने जो है वो ऑफर किया था। एंड यहाँ पे भी ENTC इन स्टूडेंट्स का जो है वो प्लेसमेंट हुआ है। फिर यहाँ पे और अगर देखते तो कैपजेमिनी दो टाइप की आती है, एक 4 लाख के लिए आती है, एक 7.5 के लिए भी आते हैं, तो दोनों यहाँ पे हमें नाम देखने को मिल रहा है। बाकी विप्रो भी है जिनका 3.5 LPA के आसपास पैकेज था। फिर यहाँ पे साइमंस PIM जिन्होंने 9 LPA का जो पैकेज है वो दिया था। साथ में NVIDIA यहाँ पे जो है वो आई थी, जिन्होंने 10-15 LPA के आसपास का जो पैकेज है वो ऑफर किया था। एंड इसमें भी अच्छे खासे बच्चों का जो प्लेसमेंट है वो हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसा अगर पैकेज मिलता है तो फिर बेटर हो सकता है। राजा सॉफ्टवेयर 7.5 LPA, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो अच्छी खासी आती है। बट जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल जो ऑफरिंग्स है वो थोड़ा कम हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। कुछ ही कंपनीज़ है जिनका 10 या 15 लाख के बीच में आपको पैकेज मिलेगा, बाकी मैक्सिमम कंपनीज़ का बिलो 6-7 के नीचे ही आपको जो पैकेज है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात की जाए गाइस, तो सिविल में 12 लोगों का, फिर मैकेनिकल में 37, इलेक्ट्रिकल में 61, ENTC में 77 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, CSE में 70 लोगों का, एंड फिर UG आप यहाँ पे टोटल देख सकते हो। तो ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छा है, ENTC इलेक्ट्रिकल एंड CSE का ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छा है। बाकी मैक में भी प्लेसमेंट है, सिविल में थोड़े कम हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। तो यही बात मैं आपको बोलूँगा गाइस कि अगर आपको CSIT नहीं मिल रहा है या फिर AIDS नहीं मिल रहा है तो ENTC भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वहाँ पे भी आप IT कंपनीज़ में जो प्लेसमेंट्स है वो निकाल सकते हो। हाईएस्ट एंड एवरेज की बात करें गाइस, तो एवरेज यहाँ पे 4 से 5 LPA के आसपास जो है वो जाता है। वही हाईएस्ट की मैं बात करूँ तो 10 से 15 के बीच
में यहाँ पे जाता है, जो इसमें भी बहुत ही कम कंपनी जो है वो आती है, बट इस वाली रेंज में काफ़ी सारी कंपनीज आपको इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे गाइज इस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स। मुझे ओवरऑल प्लेसमेंट जो है वो एवरेज या फिर उसके आसपास जो है वो लगे इस कॉलेज के। तो कुछ ऐसे है गाइज इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स। अब देखते हैं गाइज की कट ऑफ जो है वो कितने जाते हैं एंड इस कट ऑफ पे ये कॉलेज जो है वो बेटर रह सकता है या फिर नहीं। इसके अलावा प्लेसमेंट के ऊपर और एक स्लाइड है जिसमें मैंने ओवरव्यू दिखाया है कि कितने लोगों ने एनरोल किया था एंड कितने लोगों का जो प्लेसमेंट है वो हुआ था। तो सिविल में थोड़े कम प्लेसमेंट है, थोड़े मतलब बहुत ही कम है। मैकेनिकल में अच्छे है, इलेक्ट्रिकल में ठीक है, ENTC में बढ़िया है, CSE में भी बहुत अच्छे है, IT में भी बहुत अच्छे है, MCA के भी बहुत बेकार है। ठीक है, बाकी इन जो मतलब इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है सिविल को छोड़ के बाकी सभी ब्रांचेस में यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ्स के ऊपर। अब देखो गाइज यहाँ पे मैंने ओपन के कट ऑफ डाले हैं, कैटेगरी वाइज भी थोड़ा बहुत इसके आसपास ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सिविल का कट ऑफ जाता है यहाँ पे 86 के आसपास, तो सिविल में आपको और बेटर कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ जाता है यहाँ पे 97 के आसपास। ठीक है, अब 97 पे आपको काफ़ी सारे और अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, बट वो प्राइवेट में मिलेंगे। वहाँ पे आपको एक चीज़ ये मिलेगी कि वहाँ पे जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा लगे रहेगा, 1.5 लाख के आसपास जो फीस है वो वहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ओपन में OBC में भी थोड़ा ज़्यादा ही फीस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में हॉस्टल्स भी वहाँ पे जो है वो काफ़ी महंगे रहेंगे। इस कॉलेज के हॉस्टल्स भी काफ़ी सस्ते हैं, कितना प्राइस है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आपको ऐसी नीड नहीं है कि आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बिल्कुल आराम से दे सकते हो, तो फिर आपको इससे बेटर ऑप्शंस भी जो है वो मिल सकते हैं इस कॉलेज से बेटर ऑप्शंस भी। बट अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, फीस ज़्यादा नहीं भरना है, हॉस्टल में भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, एक डिसेंट कॉलेज चाहिए, तो फिर ये कॉलेज आपके लिए ठीक रह सकता है। IT का कट ऑफ जाता है यहाँ पे 96.22। कैटेगरी के बारे में बात करें तो 95-94 के आसपास भी आपको मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल का 89.52 जाता है, ENTC का जाता है 93.75, मैकेनिकल का हमें यहाँ पे 88.51 के आसपास जो कट ऑफ है वो ओपन का देखने को मिल रहा है। कैटेगरी वाइज थोड़ा और भी जो कट ऑफ है वो कम होगा। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स है वो 60 ही होती है एंड 60 सीट जल्दी भर जाती है, तो कैपराउन 1 एंड 2 में ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको और भी कॉलेजेस के कट ऑफ चेक करना है तो आप हमारे कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो ले सकते हो, जहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे एंड इनका कट ऑफ आपको हाई टू लो के फॉर्म में यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। अगर आपको ये देखना है कि 80 के आसपास कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको CS ब्रांच मिल सकती है, तो आप यहाँ से 87 से 80 तक के जितने भी कॉलेजेस हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लो एंड उतने ही कॉलेज चेक कर लो। आपको सारे 300 के आसपास के कॉलेजेस जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, 10-12 कॉलेजेस यहाँ से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड ईजिली चेक कर पाओगे कि उनका जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। साथ ही में आप इस कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेजेस का आपको कट ऑफ चेक करना है उस कॉलेज का नाम आप यहाँ से सिंपली जो है वो कॉपी कर लो एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है वहाँ पे जाके पेस्ट करोगे तो इजीली डिटेल वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज प्लस सभी ब्रांचेस का भी जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस नहीं देखने हैं, बस पुणे के देखने हैं, तो इस पुणे वाली लिस्ट का आप यूज़ कर सकते हो जिसमें सारे पुणे के कॉलेजेस है। अगर बस आपको औरंगाबाद के देखना है तो ये लिस्ट ले लो जिसमें आपको सारे औरंगाबाद के कॉलेजेस मिलेंगे। मुंबई देखना है तो मुंबई को लो, अगर नासिक के देखना है तो नासिक के देख सकते हो, नागपुर के भी है, फिर यहाँ पे नासिक के भी है, अमरावती के भी है। ठीक है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो। सभी लिस्ट एक ही इसमें आपको जो है वो मिल जाएगी एंड सभी का यूज़ आप जो है वो करके अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते गए अभी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है गाइज हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़। कट ऑफ्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हॉस्टल की बात करें गाइज तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल का जो फीस है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पे गाइज हॉस्टल्स में कैपेसिटी जो है वो अच्छी है, जैसे यहाँ पे मातोश्री बॉयज़ हॉस्टल ए है जिसका 264 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, फिर बॉयज़ हॉस्टल सी है जिसका 125 कैपेसिटी है, फिर गर्ल्स हॉस्टल ओल्ड वाला जिसका 117 है एंड मातोश्री गर्ल्स हॉस्टल भी 286 का यहाँ पे इनटेक रहेगा। ठीक है, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें हॉस्टल की तो फीस बहुत ही कम है। जैसे हॉस्टल का फीस, बॉयज़ हॉस्टल का फीस है 650 रुपीज़, हॉस्टल मेंटेनेंस है 1000 रुपये, मेस का डिपॉजिट है 4000 रुपये, कोऑपरेटिव मेस मेंबर फी है 500 रुपये एंड मेस चार्जेस है फॉर 6 मंथ 9000 रुपये। ठीक है, तो 6 महीने का मेस फीस है 9000 रुपये, हॉस्टल का 650, तो टोटल आपको 15000 रुपये के आसपास जो हॉस्टल्स है वो मिल जाएंगे इस कॉलेज में, जो कि बहुत ही कम प्राइस है एंड इस प्राइस में हॉस्टल मिलना बाकी प्राइवेट कॉलेज में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतना तो आपको PG वगैरह लेते हो तो 1 महीने का खर्चा आएगा अगर आप मुंबई पुणे में एडमिशन लेते हो तो ये फ़ायदे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के। यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह भी आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे, बट जब भी हॉस्टल लोगे तो एक बार पहले रूम्स वगैरह चेक करना, खाना चेक करना, उसके बाद ही जो है वो एनरोल करना, नहीं तो फिर पता चले
चलेगा कि इतनू सा हॉस्टल है एंड कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, तो वैसा नहीं है। एक बार पहले जाके चेक करना, देन उसके बाद ही एडमिशन लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इस वर्डिक्ट की, मेरा क्या वर्डिक्ट है, क्या एडमिशन लेना चाहिए नहीं एंड कैसा ओवरऑल कॉलेज है। तो मुझे तो गाइज ओवरऑल कॉलेज जो है वो ठीक लगता है, कैंपस भी अच्छा है, प्लेसमेंट्स भी एवरेज, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार प्लेसमेंट है। अगर हम ब्रांचेस वाइज देखते हैं तो हर ब्रांच में डिसेंट से जो प्लेसमेंट्स है वो हो रहे हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो दिखाते नहीं है कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट है, बट कितने हैं हम ये नहीं दिखाएंगे, तो ये कॉलेजेस दिखाते इसलिए पता चलता है, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो दिखाते ही नहीं है, बस बोलते हैं कि प्लेसमेंट होता है, बट वहाँ पे एक्चुअल में जो है वो इतने प्लेसमेंट नहीं होते हैं। तो प्लेसमेंट भी मुझे अच्छे लगे इस कॉलेज के, फीस स्ट्रक्चर भी लो है, कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई है, बिकॉज इस कट ऑफ के आसपास आपको और बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट बेटर मिले बट इसके जैसा फीस स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्लेसमेंट्स की ओर झुक रहे हो ज़्यादा, उस प्रेफरेंस है एंड पैसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की ओर जा सकते हो, बट अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड आपको डिसेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप इस कॉलेजेस के लिए जो है वो जा सकते हो, बढ़िया। साथ ही में लो इंटेक भी है, जिससे 60 का ही इंटेक है, तो प्लेसमेंट में ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। वही प्राइवेट कॉलेज में 180 120 का इंटेक रहता है, जिसमें अपने ही दोस्त अपना कंपटीशन जो है वो बन जाते हैं, अपना प्लेसमेंट उड़ा के चले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस कॉलेज में जो है वो नहीं मिलेगी, जिससे ओवरऑल ये कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो मुझे तो ये कॉलेज अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप इस कॉलेज को जो है वो प्रेफरेंस अच्छा दे के यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, एंड अगर आपको कॉलेजेस लिस्ट जो है वो लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें लेके अपने कॉलेजेस जो है वो भी शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको कॉलेजेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।